हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जून। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। तो आज की इस टॉपिक में हम थ्योरम 6.1 को पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कि अगर दो लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर एक दूसरे को काटती हैं, तो जो ये इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कि हमें ये दिया हुआ है कि जो लाइंस ए बी और सी डी है ये ओ पॉइंट पर कट कर रही हैं। इसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ में आप ये लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी, जैसे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे एंगल टू इज इक्वल टू होगा एंगल फोर के। और सेम एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। देखिए यहाँ से ये जो बी ओ सी है, एंगल थ्री और एंगल वन आपस में इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो हम इसके प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमने ये लिखा कि एंगल वन प्लस एंगल टू, देखिए यहाँ से ये जो एंगल वन है और एंगल टू है ये 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर्स के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद देखो, ये एंगल टू और एंगल थ्री ये भी 180 डिग्री होंगे, ये भी लीनियर पेयर है। इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, इक्वेट करेंगे हम इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो देखिए यहाँ से ये जो राइट साइड है ये दोनों की 180 है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो होंगी, जैसे एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू होगी एंगल 2 प्लस 3 के। तो देखिए यहाँ से इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें एंगल 2 से एंगल 2 जो है ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल आएगा। और देखिए, जो ये एंगल वन और एंगल थ्री है ये हमारे यही है कि एंगल, तो देखिए यहाँ से जब एंगल वन और थ्री आपस में इक्वल आ गए तो ये जो है वन और थ्री, हमारे वन जो एंगल था ये ए ओ डी पे था और जो एंगल थ्री था ये बी ओ सी पे था। तो हमने कहा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। सिमिलरली अगर हम देखो बाकी के एंगल्स को लें तो हम बाकी एंगल टू और एंगल फोर को आपस में इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिमिलरली एक पार्ट आप इस तरह से प्रूव करेंगे, आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। और जिसको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो एंगल टू और फोर बन रहे हैं एंगल बी ओ डी पे और ए ओ सी पे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने थ्योरम 6.1 की, जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।